हनुमंत कथा आज खत्म हो जाने वाली है, आज शाम बाबा रवाना भी हो जाएंगे। मैं सीधे पटना का रुख करती हूँ, मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ है। मोनिका, वहां से खबरें और तस्वीरें दिखाइए दर्शकों। बिल्कुल रीमा, देखिए आज आखिरी दिन है हनुमत कथा का, हम ठीक उसी होटल के सामने मौजूद हैं जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हुए हैं। दोपहर 1 बजे यहां से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से भक्तिमय माहौल यहां पर हो गया है। शंख नाद हो रहा है, एक छोटा सा बच्चा यहां पर शंख लेकर आया है, डमरू लेकर आया है और अपने आप को बाबा बागेश्वर का भक्त कहता है। क्या नाम है आपका? प्रीत गंधर। बाबा, बाबा को मानते हैं आप? हाँ। शंख बजा रहे थे, आप बजाइए। देखिए यहाँ पर आप बाबा को मानते हैं? बाबा पर विश्वास है? जी 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 जी। हम क्यों मानते हैं बाबा? देखिए गुरुजी के यहाँ जब उनका YouTube पे देखे थे हम लोग, अभी तक 3 बार मोटरसाइकिल से गए हैं वहाँ धाम, बागेश्वर धाम छतरपुर, और एक बार गुरुजी आए थे बनारस में, उनका कार्यक्रम था तो गए थे, बाइक भी आए थे, बैट भी लेकर आए, डमरू लेकर आए। बैट उनको गिफ्ट करना है, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना, उनको बहुत पसंद है, तो बैट और बॉल लेके आए हैं उनके लिए। बाबा को, बाबा को भजन कीर्तन चल रहा है, देखिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए। ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को बैट पसंद है, बैट बॉल पसंद है, इसीलिए ये गिफ्ट करने आए। और ये देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पर शंखनाद भी कर रहा है, कितनी खूबसूरती है, और जय श्री राम का उद्घोष भी यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए बड़ी तादाद में लोग जो है लाखों की संख्या में होटल के सामने भी मौजूद हैं, साधु संत हो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भले ही जितनी मर्जी गर्मी हो या मौसम जैसा भी हो, लगातार जो है लोगों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही। देखिए आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आज हनुमंत कथा होनी है, दोपहर 1 बजे इसी होटल से बाहर जो है बाबा निकलेंगे, उनके एक झलक पाने के लिए लोग जो है होटल के सामने मौजूद हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं। देखिए विरोधी लगातार विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विरोधियों को जवाब देने के लिए बाबा के समर्थक लगातार जुटे हुए हैं और यही कह रहे हैं जितना विरोध होगा उतना हम बाबा के साथ हैं, हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं होगी। कहाँ से आए आप? हम तो कटिहार से आए हैं। बाबा से मिलने? हाँ जी। मुलाकात हुई? अर्जी लगी कोई? नहीं, नहीं लगी। मायूसी हो रही है क्या बाबा से मिलने की? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ भक्त जन जो है वो मायूस हो रहे हैं, लेकिन देखिए विरोधी लगातार विरोध की कर रहे हैं पहले दिन से ही। और आज भी आपको बता दें कि पटना के कुछ चौराहों पर बाबा के जो पोस्टर्स हैं उन पर काली पोत ली गई थी और कुछ विवादास्पद टिप्पणी भी की गई थी। क्या कुछ विरोधियों ने कहा है, लिखा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भी हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग तो छाता लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप जी? कहाँ से आई हैं आप? पटना से। पटना से बाबा से मिलने जी? मुलाकात हुई, उम्मीद है बाबा से? उम्मीद है, हो जाएगी। अर्जी अर्जी पर्ची लगाइए, कुछ मनोकामना है? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन विरोधी जो कह रहे हैं, विरोधी तो कह रहे हैं कि बाबा को आना ही नहीं चाहिए था, माहौल खराब कर रहे हैं बाबा यहाँ के। विरोधी अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे अच्छा माहौल क्या हो सकता है। ये बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इतनी भीड़ शांतिपूर्वक इंतजार कर रही है बाबा की, ये तो समाज को जोड़ने का काम है ना। ये समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, जो विरोधी कह रहे हैं कि बाबा तोड़ने का काम करते हैं, ये तो समाज को जोड़ने का काम है। और देखिए इस बीच देखिए किस तरीके से आज सुबह कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, उनमें काली पोती गई थी। मेरे सहयोगी चंद्र मोहन ने उन पोस्टर्स का जायजा लिया है और क्या कुछ विरोधियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखा। असामाजिक तत्वों ने देर रात रात के अंधेरे में पहुंचकर और उनके पोस्टर के ऊपर कालिख पोत दी है और विवादास्पद इस पर टिप्पणी भी की गई है। न सिर्फ पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बल्कि पटना के ज्यादातर जगहों पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, उस पर उनके चेहरे के ऊपर कालिख पोती गई है और उसके बाद विवादास्पद टिप्पणी की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की पटना आने की बात जब से आई थी उसके बाद से ही लगातार उनका विरोध हो रहा था, और पहला दिन जो उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए थे उसको फाड़ दिया गया था, और अब
आज रात के अंधेरे में कुछ लोग पहुंचे हैं, असामाजिक तत्व कहा जा रहा है कि जो पहुंचे, और उसके बाद पटना के इनकम टैक्स चौराहे के साथ साथ पटना के ज़्यादातर जगहों पर जहां जहां पोस्टर लगे हुए हैं उस पर विवादास्पद टिप्पणी की गई है, और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा हुआ है उसके ऊपर कालिख पोत दी गई है। तो लगातार जितने भी समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भले ही बाबा के पोस्टर्स पर कालिख पोती जा रही है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनके अरमानों पर कालिख पोती गई है। कुछ यहाँ पर लड़कियाँ भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति पांडे। श्रुति पांडे, आपका नाम क्या? श्रेया पांडे। श्रेया पांडे, आपका नाम? शिखा पांडे। शिखा पांडे, तो देखिए कुछ लड़कियाँ भी यहाँ पर आई हुई है। बाबा से मिलना चाहती हैं आप लोग? बाबा से मिलनी है। दो से तीन दिन हो गए मुझे आप लगातार यहाँ पर आ रही हैं। बाबा से मुलाकात हुई अभी तक नहीं? आज लास्ट डेट है तो लास्ट डेट है। हाँ, उम्मीद तो है पूरा मिलना। तो देखिए ये कुछ लोग हैं दूर दूर से आए हैं। अब ये चारों तरफ इसी तरीके का माहौल जो है भक्ति में माहौल नजर आ रहा है। लेकिन देखिए तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम सेना तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समर्थक कह रहे हैं कि हम बाबा की सेना है। और जितना ज्यादा विरोध होगा उतना ज्यादा समर्थन हम बाबा का करेंगे, और यही वजह है कि लाखों की तादाद में, फिर वो तरेत पाली हो या यहाँ पर हो, हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। सुबह शाम दिन रात यही तस्वीर होटल के बाहर हो तरेत पाली में इसी तरीके से नजर आती है। लेकिन विरोधियों को किस तरीके से जवाब यहां की जनता दे रही है, एक रिपोर्ट देखिए। ऐसा आएगा भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। इसके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोला? एक नंबर फाइनल। दो बाबा, कौन बाबा, किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र पर बिहार में बाबा का ऐलान। बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। लालू के लाल बागेश्वर बाबा से अनजान। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा, किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसे और कोई बाबा आवा टावा कौन नहीं जानता। अपने चैलेंज से पीछे हट गए तेज प्रताप। बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा, अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। लालू के लाल पिछले 2 हफ्तों से बागेश्वर बाबा को बिहार में चैलेंज देने की तैयारी कर रहे थे। बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए तेज प्रताप ने अपनी फौज खड़ी की थी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो तेज प्रताप बाबा को चैलेंज कर पाए और ना ही बागेश्वर बाबा को रोक पाए। और अब जब बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ा तो तेज प्रताप कह रहे हैं, कौन बाबा? कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा, किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? बिहार में बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम 13 मई को शुरू हुआ। पटना के पास नौबतपुर में बाबा का 5 दिन का कार्यक्रम तय था। 5 दिन पूरे होने के बावजूद तेज प्रताप की सेना ने बाबा का सामना नहीं किया। इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं। बिहार में बाबा बागेश्वर इतने लोकप्रिय होंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बाबा के कार्यक्रम में हर दिन इतने लोग पहुंच रहे हैं कि खुद बाबा को ये ऐलान करना पड़ गया कि लोग अपने घरों से ही टीवी पर उनका कार्यक्रम देखें। कार्यक्रम के समापन से एक दिन पहले तो बाबा ने अपने मंच से ही हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दिया। बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। अपने हर मंच पर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बागेश्वर सरकार को तो उनके विरोधी पटना में तो चैलेंज नहीं कर पाए, लेकिन उनके विरोध का जो तरीका निकाला उस पर नया विवाद खड़ा हो गया। पटना की सड़कों पर बागेश्वर सरकार के लगे पोस्टरों पर बाबा के विरोधियों ने कालिख पोत दी। असामाजिक तत्वों ने देर रात रात के अंधेरे में पहुंचकर और उनके पोस्टर के ऊपर कालिख पोत दी है, और विवादास्पद इस पर टिप्पणी भी की गई है। न सिर्फ पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बल्कि पटना के ज्यादातर जगहों पर
जो पोस्टर लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, उस पर उनके चेहरे के ऊपर कालिख पोती गई है। पटना में लालू यादव का परिवार और लालू की पार्टी पहले दिन से ही बागेश्वर सरकार का विरोध कर रही है। पहले तेज प्रताप ने बाबा के खिलाफ फौज खड़ी करके मोर्चे की तैयारी शुरू की, फिर पार्टी के नेताओं ने बाबा के कथा वाचन पर सवाल खड़े किए। लालू की बेटी ने तो सोशल मीडिया के जरिए बाबा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की अर्जी तक लगा दी। और अब लालू ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। राम कथा वाचन के लिए बिहार दौरे पर आए बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम अब समापन की ओर है। बाबा आज बिहार से बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन बिहार की धरती छोड़ने से पहले उन्होंने बिहार की राजनीति में जो हलचल पैदा की है वो फिलहाल शांत होगा ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए, विरोधी लगातार ये कह रहे हैं, अगर विरोध हो रहा है तो विरोधी यहाँ पर सामने आए, ये चैलेंज है। यहाँ से जितने भी भक्तजन है वो चैलेंज कर रहे हैं विरोधियों को। लेकिन पांच तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि इन पांच तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि बाबा का किस तरीके से बिहार में, ये कहा जा रहा है कि बिहार में काबा, तो बार बार ये जितने भी भक्तजन है वो कह रहे हैं बिहार में तो सिर्फ बागेश्वर बाहर। देखिए, ये पांच तस्वीरें हैं, पांच तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जिस दिन पहले दिन बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे थे, उनके स्वागत के लिए वहां पर एयरपोर्ट पहुंचे गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, वो भी पहुंचे थे। बकायदा मनोज तिवारी ने तो गाड़ी चलाकर उन्हें तरेतपाली तक पहुंचाया। ये तमाम तस्वीरें, उसके दूसरे दिन हनुमत कथा हुई। तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और तीसरे दिन जो है बाबा ने पर्चियां भी लोगों की निकाली है, समस्याओं को दूर किया है, लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है। और उसके अगले दिन की तस्वीरें देखिए आप होटल के बाहर, क्योंकि रात दिन इसी तरीके से भीड़ जो है बाबा का इंतजार करती है सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और यही वजह है कि जन सैलाब आस्था का, चाहे तरेतपाली हो या होटल हो, वहां पर देखने को मिल रहा है। और हिंदू राष्ट्र का जय घोष जो बाबा लगातार मंच से कर रहे हैं, उसी भाव के साथ यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, आज आखिरी समय मोनिका आप भी वहां पर मौजूद है, तस्वीरें आगे भी आपसे हम लेते रहेंगे बाकी। लेकिन ये देखिए, बाबा बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार का आखिरी दिन आ जाए, लेकिन भीड़ लगातार बाबा के दर्शन के लिए पटना में जमी हुई है। बाबा भले ही कितनी भी अपील करें, लेकिन उनके समर्थक का जोश कम होता नहीं दिख रहा। बाबा के समर्थक होटल के बाहर पहुंचे हुए हैं। होटल के बाहर से लेकर कथा स्थल तक भक्त जमा है और भक्तों के समर्थन से बाबा गदगद नजर आ रहे हैं। बागेश्वर सरकार ने पटना में किया चमत्कार। नौबतपुर पटना में काबा काबा, बागेश्वर बाबा 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 बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को बनाया दीवाना। होता है दीवाना, हम लोग धर्म के लिए दीवाना हो गए हैं। बाबा की झलक पाने को टूटा जन सैलाब। होटल के कथा स्थल तक बाबा का रॉक स्टार अंदाज। बागेश्वर सरकार का विरोध उनके पटना आने के ऐलान के साथ ही शुरू हो गया। जैसे जैसे उनका विरोध हुआ वैसे वैसे उनके भक्त भी बढ़ने लगे। पटना में पांच दिन की कथा वाचक में स्थिति ये हो गई कि बाबा को मंच से लोगों को ना आने की अपील तक करनी पड़ गई। लेकिन ना तो बाबा की अपील काम आई और ना ही लोगों की बाबा के प्रति आस्था में कोई कमी आई। चौथे दिन भी कथा स्थल पर तीसरे दिन से ज्यादा भीड़ पहुंची। नजर आ रहा है।
एक तरफ जहां हनुमंत कथा के लिए बना पंडाल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आया, वहीं पंडाल के बाहर और सड़कों के किनारे भी लोगों की भीड़ नजर आई। और यह सिर्फ एक दिन की तस्वीर नहीं थी, पटना में जब से ये कार्यक्रम चल रहा है तब से पंडाल के आसपास यही हालात बने हुए हैं। और आपको पंडाल के बाहर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, अंदर जो है हनुमत कथा जारी है, लेकिन बाहर भी देखिए भक्तों की भीड़ इसी तरीके से लगी हुई है जैसे पहले तीन दिन नजर आए। देखिए जय श्री राम के नारे जो है लगातार आ रहे हैं। ये पोस्टर में क्या लिखा है, क्या संदेश है? ये लिखा है कि जहाँ बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जहाँ धर्म संस्कृति ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। बाबा मन से लगातार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप उनके साथ हैं? नहीं, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा हमें लग रहा है, पर हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में सारे रिकॉर्ड टूट गए। भक्तों की इतनी भीड़ पहुंची कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वहां हर कोई बाबा के रंग में रंगा नजर आया। पंडाल के अंदर हो या बाहर, भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मंत्र मुग्ध हो गए। मंच से कथा का पाठ हो रहा था और वहां लोग हनुमत भक्ति में डूबे नजर आए। पंडाल के अंदर जहां भक्त भजन की धुन पर झूम रहे थे, तो पंडाल के बाहर मौजूद लोग हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करते नजर आए। उनके हाथों में 2024 का पोस्टर भी था। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे थे, तो उनके भक्त भी इसी रंग में रंगे नजर आए। 2024 का चार्ट लेकर यहां पर आए, यानी कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात लगातार बाबा मंच से कर रहे हैं, उसी का जय घोष लेकर जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हुए, बकायदा 2024 का चार्ट लेकर आए हैं। यानी कि ये लगातार कहा जाता है कि सियासत अलग रखनी चाहिए, धर्म अलग रखना चाहिए, लेकिन जब से बाबा यहां बिहार आए हुए हैं तब से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। पंडाल के बाहर मौजूद लोगों ने तेज प्रताप यादव को भी निशाने पर ले लिया। लोगों ने कहा कि वो बाबा की भक्ति में पागल हो गए हैं। लगे हाथ वहां आए लोगों ने तेज प्रताप यादव की सोचने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। होता है दीवाना, हम लोग धर्म के लिए दीवाना हो गए हैं। पागल का तो एक शब्द। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बाबा यहाँ पर आकर लोगों को पागल बोल रहे हैं। पागल का एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। आप जिस सेंस में आपका जितना दिमाग काम करता है, उनका जितना दिमाग काम कर रहा हो ऐसा बोल रहे कुल मिलाकर पूरा बिहार और पटना शहर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रंग में रंगा हुआ है, और जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं वो लोगों के निशाने पर हैं, चाहे वो विरोधी दल के नेता ही क्यों ना हो। बाबा से मिलने आए हैं हम, हिंदू राष्ट्र की मांग करने आए हैं, बाबा का समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन विरोधी तो चाहते नहीं थे कि बाबा बिहार में आए। बाबा की विरोधियों की खटरी बांट दी बाबा ने, विरोधियों की बात ही हटा दीजिए। दो विरोधी है और 98% समर्थन है और 2% विरोधी है, कोई क्या बिगाड़ेगा बाबा का? हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और हिंदू राष्ट्र बाबा के साथ खड़े हैं। बागेश्वर सरकार के पटना दरबार में आई भीड़ में किसका कितना भला हुआ ये तो वो ही जाने, लेकिन बाबा के दरबार ने सियासी उबाल जरूर ला दिया है। तो देखिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर भी उतनी है और तरेत पाली में भी उतनी है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी तरेत पाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन देखिए विरोधी विरोध कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की तरफ से साफ
तौर पर कहा जा रहा है हम डटे हुए हैं बाबा बागेश्वर के लिए। आज पांचवा दिन है, आखिरी दिन, वहाँ पर कैसी तस्वीरें? और बिल्कुल कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर तरेत पाली में दिखाई दे रही है, जहाँ पर भारी संख्या में सुबह सुबह लोग पहुँच गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बाबा कब यहाँ पर पहुँचेंगे और एक बार फिर से हनुमंत कथा शुरू होगा। आज दोपहर 1 बजे के बाद हनुमंत कथा शुरू होना है और 5 बजे तक ये हनुमंत कथा खत्म हो जाएगा। आज आखिरी दिन है, ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो नहीं आए हैं, लेकिन जो नहीं आ पाए थे इससे पहले वो यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच गए हैं और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मंच भी लगभग अब तैयार हो चला है, अब यहाँ पर अब जो भी साउंड लगाने का काम चल रहा था वो खत्म हो चुका है और अब इंतज़ार धीरे धीरे होने लगा है जब होटल पनास से निकलेंगे बाबा और फिर यहाँ पर पहुँचेंगे। जब से बाबा के आने की बात आई थी उसके बाद से ही लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे विरोध हो रहा था वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और बीच में तो ऐसा वक्त आ गया था इससे 2 दिन पहले जब बाबा को खुद यह कहना पड़ा कि लोग टीवी पर ही देख ले, जो पहले आ चुके हैं उनको आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आस्था जो है वो लोगों के विरोध पर भारी पड़ रहा है।